नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। देखते हैं आज क्या कुछ खास रहने वाला है। आज हम जिन सवालों को इंक्लूड कर रहे हैं उसमें होम लोन के जो तमाम ऑफर्स रहेंगे, इनका हम जायजा लेंगे। अब बिजनेस के लोन चाहिए एक इंडिविजुअल को तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, और साथ ही कार लोन के जो ऑफर्स रहेंगे प्री ओन्ड सेगमेंट के लिए इसको भी हम शामिल करेंगे। निचली आगे चलते हुए और प्रश्न हैं उनको इंक्लूड करेंगे, और आपके प्रश्नों पर आज राय देने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, CEO अपनापैसा.com। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है कार्यक्रम में रुंगटा साहब। और व्यूअर्स को आइए बता देते हैं किस तरह से वो शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@znetwork.com पर। ये ईमेल आईडी है जो स्क्रीन पर इस समय फ्लैश कर रही है, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स हमें 57575 पर भेज सकते हैं। बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है तो पहले कर्ज दिखेगा और फिर बाकी डिटेल्स इस नंबर पर SMS कर दें। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न गोवा से है, नितिन जी का ये प्रश्न है और इनको होम लोन की रिक्वायरमेंट है। आपका स्वागत है, प्लीज आप बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं। जी, मेरी जो सैलरी है वो 15 लाख है ईयरली जी, और मेरे को 35 से 35 लाख तक का लोन चाहिए। अच्छा, इससे पहले तो कोई आपका लोन नहीं चल रहा है? नहीं, इससे पहले कोई लोन नहीं चाहिए। आपको हम इस पर राय दिलवाते हैं। अरुण साहब, जैसे इन्होंने कहा फर्स्ट टाइम ये लोन लेने का सोच रहे हैं, और जैसे इनका प्रोफाइल है आपको लगता है मतलब बाकी अगर सब चीज़ें बाकी स्मूथ हों तो इनको खास इश्यूज नहीं होने चाहिए इसको मिलने में लोन को? हाँ बिल्कुल, जो ये सैलरी आप बता रहे हैं नितिन जी, आपको 35 लाख की 15 लाख की सैलरी पर और कोई लोन भी नहीं है आपके पास, तो 32 से 35 लाख का लोन मिलना बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपकी ब्याज की दर करीबन 10.5 से 11% होगी। आई थिंक आपकी स्क्रीन्स पर हैं, SBI है जो 10.5 पर देगा, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक है जो जिनकी डिक्लेयर्ड रेट 11% है, और भी कई बैंकें हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी जी। तो ये आपको तय करना है कि आप किस से लेंगे। आप वैसे कौन सी कंपनी में काम करते हैं नितिन जी? उनसे रुंगटा साहब लग रहा है इस समय संपर्क टूट गया है, लेकिन संभव बाकी और डिटेल्स और चेक नहीं हो पाई हैं। जैसे आपने बताया अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें बेशक अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्टेटस को रहा हो, लेकिन आगे चलते हुए अगर इनमें जिस तरह से डिप होता है तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे, अभी फ्लोटिंग पर लेना क्या बेटर रहेगा? हाँ, तो दो तीन सलाह है। एक तो अगर बहुत अच्छी कंपनी में कोई काम कर रहे हो तो ये रेट्स को नेगोशिएट भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है स्लाइटली। तो जहाँ पे जो कंपनियाँ 11 चार्ज कर रही हैं शायद 10.5 पे दे दें, अगर बहुत अच्छी कंपनी में ये काम करते हो, क्रेडिट स्कोर इनका अच्छा हो, पहली बात। दूसरा, ऑब्वियसली फ्लोटिंग ही लेना चाहिए अब की देर में। ये एक टाइम का डिसीजन वैसे भी नहीं है, लेकिन आज की तारीख में आपको फ्लोटिंग लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में रेट्स गिरने की संभावना है। ये डिसीजन आपको रिव्यू करते रहना है, हर 3 महीने से या 6 महीने से ये डिसीजन रिव्यू करना है। लेकिन आज की तारीख में अगर लोन लेना है तो फ्लोटिंग रेट लोन लीजिए, प्योर फ्लोटिंग रेट लोन लीजिएगा। ये जो 1 साल फिक्स्ड या 2 साल फिक्स्ड उसके बाद फ्लोटिंग, ये नहीं लीजिएगा। प्योर फ्लोटिंग रेट लेने में 2 फायदे हैं। एक तो प्योर फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होते जी, और दूसरा चूँकि अगले दिनों में रेट गिरने की संभावना थोड़ी बहुत है तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलने की अच्छे चांसेस हैं। राइट, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं, बाकी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। आइए अब अगले सवाल की ओर हम मूव करते हैं। दिल्ली से अगला प्रश्न है, KC राणा जी का ये प्रश्न है। आपका स्वागत है राणा साहब। आपने जैसे बताया कारोबार के लिए आप भी लोन चाह रहे हैं, ये एग्जैक्टली बिजनेस प्लान क्या है आपका? आपने प्रश्न में मेंशन किया इलेक्ट्रिक वायरिंग का कुछ आप कारोबार करना चाह रहे हैं, क्या पूरी योजना है आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़? बेसिकली दरअसल हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे वायरिंग की जी, वो अपने हिमाचल में सप्लाई करेंगे उसकी। तो उसके लिए हमने 3 नंबर और जो भी होता है जो प्रोसीजर है इसका जी, बेसिकली वो सब कुछ ले लिया है। तो हमारे एक जो पार्टनर हैं, जो फ्रेंड है हमारे, ऑलरेडी काम करते हैं इसी में ही, इसी लाइन में है। अच्छा, तो साथ ये, आप जैसे अभी फिलहाल जॉब में हैं तो क्या मतलब ये नौकरी छोड़कर इस तरफ जाएंगे? अभी तो मैं सर्विस पे हूँ, पर ये मेरा प्लान है कि अगर इन फ्यूचर अगर अच्छा चल पड़ता है तो मैं इसको स्विच कर सकता हूँ इसके लिए। अच्छा, ये आपको खुद ये जो आप बात कर रहे हैं इस लाइन का क्या कितना अनुभव है, कितना एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र का? तो नहीं है, लेकिन जो मेरे दूसरे पार्टनर हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं इस काम को।
अच्छा, आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है। हम इससे पहले रुंगटे साहब का रुख करें, आपने क्या किसी बैंक को अप्रोच किया, कुछ आपको फीडबैक मिला है, कुछ रिस्पांस किसी प्रकार से? नहीं, अभी तक कहीं अप्रोच किया नहीं है इसके लिए। ओके, रुंगटे साहब, ये जो हम इनसे चेक कर पाए हैं डिटेल्स कुछ, आप उसके अकॉर्डिंगली इनको क्या रहना चाहेंगे? जैसे कह रहे हैं इनको इस लाइन का स्पेसिफिक खुद अनुभव तो नहीं है, लेकिन ये उस तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ये कैसे आगे बढ़े? तो राणा जी, ऑब्वियसली आपके पार्टनर को अनुभव है, तो आप दो तरीके से लोन ले सकते हैं। एक तो जो आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी है उसके बेसिस पे आप अनसिक्योर्ड लोन लेने की कोशिश कर सकते हैं, महंगा मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप कहाँ नौकरी करते हैं राणा जी? जी राणा साहब, आप लाइन पर हैं? जी, आपसे जानना चाह रहे हैं आप एग्जैक्टली कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं कहीं पर? हाँ, मैं प्राइवेट सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में हूँ। और कितने समय से कर रहे हैं आप? बड़ी कंपनी में है कि कोई? लास्ट 18 इयर्स 19 इयर्स से। ओके, रुंगटा साहब, तो अगर अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं राणा जी आप, तो आपको करीबन 16-18% पर साढ़े तीन लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन मिलने की अच्छे चांसेस हैं, अगर और कोई लोन नहीं है और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। ये एक सीधा साधा और सिंपल तरीका है, लेकिन महंगा तरीका है। अगर आपको, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी बनवाई है, तो आप लोन ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में भी। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी KVIC बोर्ड है, और जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं वो हैं, और आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट जिसमें से रियल एस्टेट का कॉस्ट निकाल दिया जाएगा, उसमें आपको करीबन 90% तक का लोन मिल सकता है सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। वर्किंग कैपिटल में भी सहूलियत आपको मिल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे और अपनी कंपनी को MSME मीडियम या स्मॉल, एज अ स्मॉल इंडस्ट्री आप इसको अगर रजिस्टर कराएंगे, तब आपको ये सारी सहूलियतें मिलेंगी। राइट, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ रहेंगे उसमें रुंगटा साहब बेटर रहेगा कि किसी की इसमें एडवाइस लें, हेल्प लें प्रॉपरली उसको, ताकि एक वो कंप्लीट डिटेल्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में जाएं, ताकि इस प्रपोजल को ये आगे लेकर मूव कर सकें? हाँ बिल्कुल, आई थिंक कोई प्रोफेशनल मर्चेंट बैंकर की हेल्प ले सकते हैं, कंसल्टेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि जितनी सुचारू रूप से इसको कर सकें और जल्दी कर सकें उतना अच्छा रहे। राइट, अगला प्रश्न पठानकोट से है, कमल कुमार जी का ये प्रश्न है, वो इस समय लाइन पर हैं, और इनका प्रश्न है, इनफैक्ट ये इंश्योरेंस सेंट्रिक भी पूछना चाह रहे हैं कार का। ये आपकी हम डिटेल्स देख रहे हैं, आप एक सेकेंड हैंड कार लेने का सोच रहे हैं, अब तो ये इंश्योरेंस का एग्जैक्टली क्या चेक करना चाहते हैं? आपने कहा कि इंश्योरेंस की भी साथ में रिक्वायरमेंट रखी गई है, क्या एग्जैक्टली आपका सवाल है, प्लीज़ बताएंगे? ऐसा है कि सुरक्षा के नाम से ये इंश्योरेंस करते हैं HDFC से, तो उनका कहना ये है कि जैसे 6 महीने बाद आप विद अप्रूवल आपका लोन टोटली कंप्लीट खत्म हो सकता है। और क्या ये, पहली बात तो ये है कि सुरक्षा लेना ज़रूरी है, सेकेंडली ये है कि अगर हम 6 महीने बाद अपना लोन ख़त्म कर दें पूरा, तो जितना हमारा वो तो 5 साल का टेन्योर के लिए पूरा लेते हैं वो अमाउंट, तो 6 महीने बाद हमारा प्रोरेटेड बेस के ऊपर ये पैसा कटेगा। ये हम कमल साहब ये बताइए, ये जो आप इंश्योरेंस का मेंशन कर रहे हैं, कार का इंश्योरेंस तो वैसे ही मैंडेटरी है थर्ड पार्टी, तो आपको उसमें क्या इश्यूज है? मतलब उसके बिना वो इंश्योरेंस नहीं है सर। हाँ जी, ये इंश्योरेंस नहीं है, ये जो इंश्योरेंस होता है ये सुरक्षा के नाम से होता है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो लोन को कवर करते हैं वो। ओके, आप उस, ओके आप उस प्रकार के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, राइट, जो आप मतलब इनफैक्ट जो फाइनेंस कराने के लिए सोच रहे हैं। ये जो आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, कितने साल पुरानी है, कौन सा मॉडल है ये? 2010। ओके, रुंगटा साहब, जिस तरह से इन्होंने बताया, ये जो फाइनेंस करने का सोच रहे हैं उसके लिए इंश्योरेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, आप इनको किस तरह से एडवाइस करना चाहेंगे? तो ये जो इंश्योरेंस कंपल्सरीली इनको शायद थोपा जा रहा है, और इसी वजह से ये इस पे ऑब्जेक्शन शायद ले रहे हैं, तो कोई भी बैंक आप पर पर्टिकुलर इंश्योरेंस लाद नहीं सकती है, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी की वजह से या एक्सीडेंटल डेथ की वजह से अगर लोन रिपेमेंट होता है और इंश्योरेंस की कॉस्ट सही है, तो उसको लेने में कोई नुकसान मेरे ख्याल से इनके नहीं रहेगा। ये बोलने के बाद ये भी ट्रू है कि आपको अगर ये इंश्योरेंस नहीं लेनी है,
तो आप मना कर सकते हैं, और इस बेसिस पे सिर्फ आपका लोन रिजेक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता है। ये जरूर बैंक कह सकती है कि ऐसा इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप जो हम दे रहे हैं वो लें चाहे बाहर से लें, ये जरूर एज अ क्रेडिट कंडीशन वो लगा सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कंपनी से पर्टिकुलर प्रोडक्ट लें ये आप ये पर वो नहीं थोप सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं वो तो आप कंप्लेंट IRDA में कर सकते हैं और उस पर क्लियरली एक्शन लिया जाएगा। अभी क्या ये दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनको फाइनेंस करानी है और अगर ये यहाँ कंफर्टेबल नहीं है स्पेसिफिकली इस प्रोविजन को लेकर, तो क्योंकि कई सारे ऑफर्स रहते हैं, दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें, उनको भी एक बार चेक कर लें। एक्चुअली जो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल डेथ की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है बहुत महंगी नहीं है जी। तो मेरे ख्याल से अगर ऑफर साथ में बंडल होके आ रहा है जी और बहुत महंगा नहीं है तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, इनके बेनिफिट के लिए है। ऑब्वियसली ये इनको चेक करना पड़ेगा कि अगर प्रीपेमेंट हो जाता है तो क्या वो जो पॉलिसी का अमाउंट है वो इनको मिलेगा क्या, न कि बैंक को मिलेगा, ये चीज़ उनको चेक कर लेनी चाहिए। अगर वो है तो कोई पॉलिसी ख़राब वो होनी नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है। राइट, इनफैक्ट तो ये आपके लिए राय है। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है ब्रेक के उस पार, कई और प्रश्न हम उनको इंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद जो हम लौट कर आते हैं तो होम लोन स्पेसिफिक कुछ इश्यूज हैं इसका हम जायजा लेंगे, क्रेडिट कार्ड पर लोन सेंट्रिक सवाल है इसको इंक्लूड करेंगे इसमें, किन पैरामीटर्स को आप आगे देख कर बढ़ें और कैसे इस पर कॉल लेनी चाहिए, और होम लोन प्रीपेमेंट जिसको हम कुछ अभी देर पहले इस पर बातचीत भी कर रहे थे संबंधित एक क्वेरी है, इसको ब्रेक के उस पार हम इंक्लूड करेंगे, हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक, आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर, शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब, और आइए अब हम सीधे अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आइए, प्रश्न गुजरात से है और प्रश्न पूछने के लिए समय राकेश मिश्रा जी लाइन पर हैं, आपका स्वागत है। हम जो देख रहे हैं आपका सवाल, आपने जो डिटेल्स भेजी हैं, आपने बैंक ऑफ राजस्थान से इनफैक्ट लोन लिया था होम लोन, बाद में जिस तरह से मर्ज हुआ ऐसे बैंक के साथ और फिर जो अब इशूज़ आ रहे हैं, ये आप हमें बता पाएंगे आपने ICICI बैंक से बातचीत की है कुछ, आपको क्या रिस्पांस मिला है जब आपने इस इशू को रेस किया है? हाँ जी, मैंने ICICI से बात किया है, उनको लिखित में भी दिया कि भाई मैंने जो है हेलो जी बैंक ऑफ राजस्थान से जो मैंने लोन लिया था और बैंक ऑफ राजस्थान से ही सारी कंडीशंस करी थी जी। उसने 7.5 जो है पहले ईयर में किया था इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जी, सेकेंड दो ईयर के लिए 8.5 रखा था और थर्ड ईयर के लिए 8.75, ऐसा लिखित में है मेरे पास बैंक ऑफ राजस्थान। नहीं वो ठीक है, अभी ICICI बैंक का क्या कहना है इस पर? ICICI बैंक का कि हमारे ICICI बैंक के ही आपको जो नियम कानून कायदे हैं सारे वही लगेंगे बोलते हैं। ओके, और 11.5 मैं अभी पे कर रहा हूँ, रेगुलर उनकी किस्त भर रहा हूँ, रेगुलर प्रीमियम भर रहा हूँ उनका। आपको राय दिलवाते हैं रुंगटा साहब, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये जिस तरह से महसूस कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जिस एग्रीमेंट के साथ ये आगे बढ़े थे इनिशियली, जो सोचकर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जिस बैंक के साथ वो मर्ज हुआ, इसमें अब इंडिविजुअल का तो उसमें जिस तरह से किसी प्रकार से कोई फॉल्ट कहीं पर नहीं है, जो इनको अब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जो इन्होंने इनिशियली जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर आगे बढ़े थे, ऐसे में इनके अपने कुछ राइट्स भी हैं और बैंक अपनी तरह से जिस तरह से वो अपना इनको समझा रहे हैं, इनको किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहिए इस केस को? तो राकेश जी, पहली बात ये है कि आपका एग्रीमेंट बैंक ऑफ राजस्थान से था और वो वैलिड रहेगा, मर्जर होने से आपकी राइट्स अफेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी तरीके से आपकी राइट्स अफेक्ट नहीं हो सकती, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और अगर बैंक ICICI बैंक अगर उसको ऑनर नहीं कर रहा है और आपने लिखित में भी दे रखा है और उसके बाद भी उन्होंने अगर ऑफ उसको नहीं किया, तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर फॉलो करिए, जो बैंक की साइट पर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है उसमें एड्रेस दिया हुआ है उनका जो मेन ग्रीवियंस ऑफिसर है, उनको आप लिखिए अगर ऑलरेडी नहीं लिख चुके हैं तो, और उनको लिखिए, और अगर 30 दिन में भी अगर आपको सॉल्व नहीं होता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समन में कंप्लेन करिए, रिलीफ नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता, आपको रिलीफ पक्का मिलेगा। दूसरी बात, अब जो फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट है इन एनी केस बहुत हाई है, जो 11.5% या 11.25% की रेट आप दे रहे हैं, आपके जो लोन अमाउंट है उसके मुताबिक आपको 10.5 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, वो आप
आईसीआईसीआई बैंक से भी बात कर सकते हैं कि छोटी सी फीस देकर अगर वो आपको 10.5 पर शिफ्ट कर देता है, फ्लोटिंग रेट पर शिफ्ट होइएगा जी, ड्यूअल रेट लोन्स पे जहाँ पे थोड़े दिन तक रेट फिक्स रहती है उस पे नहीं होइएगा। अभी हमने समझाया था कि उसमें क्या नुकसान आपको हो सकता है। जैसे इनके केस में भी इन्होंने जिस तरह से एक टीजर प्रोडक्ट लिया, मतलब कुछ समय के लिए फिक्स रहा, फिर वो जिस तरह से बदलाव हुआ, फिर फ्लोटिंग के साथ जो मूव हो रहा है, इसमें जैसे आप कुछ देर पहले प्रीपेमेंट का जिक्र कर रहे थे, इसमें फ्लोटिंग के केसेस में तो हम देख रहे हैं प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है, लेकिन टीजर में जो ये पूरा वर्क करता है, इसमें जो एनएचबी की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली तो जिस तरह से हम देखते हैं प्रीपेमेंट चार्जेस रहते हैं, लेकिन आरबीआई का स्पेसिफिकली जो इस पर गाइडलाइंस हैं उसको किस तरह से रीड करना चाहिए? फ्लोटिंग पर तो नहीं है, लेकिन टीजर में एग्जैक्टली बैंक की क्या स्ट्रेटजी रहती है, अगर आप इनके समक्ष और बाकी व्यूअर्स को समझा सकें ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो अपना एक फाइनल डिसीजन लें। तो खैर जहाँ तक बैंकों का सवाल है, वो तो एनएचबी गाइडलाइंस के तहत नहीं आती हैं, तो वो आरबीआई की गाइडलाइंस में आती हैं। अभी तक आरबीआई का रुख इस पर 100% क्लियर नहीं है कि जब टीजर रेट, जो टीजर पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद या फिक्स्ड पीरियड जो है वो ख़त्म होने के बाद जब फ्लोटिंग पे जाता है उस समय अगर कस्टमर शिफ्ट करता है तो उस पर प्रीपेमेंट चार्ज रहेगा कि नहीं। एनएचबी तो हाउसिंग फिनेंस कंपनीज को अलाउ करता है उस पर प्रीपेमेंट चार्ज लगाने का, आरबीआई का रुख अभी तक इस पर क्लियर नहीं हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिलहाल के दौर में आप फ्लोटिंग रेट ही लीजिए। उसमें दो फायदे हैं, एक तो चूंकि रेट्स गिरने की संभावना है तो ये हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो रेट में भी, और कोई कारण से अगर ये एग्जिस्टिंग लेंडर आपको बेनिफिट नहीं देता है गिरी हुई रेट का तो आप शिफ्ट कर सकते हैं बिना कोई चार्ज के, और वही एक सबसे बड़ा आपके हाथ में वेपन है ये सिक्योर करने के लिए कि वो आपको ज्यादा चार्ज नहीं करे। अच्छा, तो इसलिए आप जी अगले सवाल कर मूव करें उससे पहले, क्या संभव, क्योंकि रेगुलेटर भी आपको लगता है थोड़ा अनकंफर्टेबल रहा है ये टीजर प्रोडक्ट्स को लेकर, जो पीछे स्टेटमेंट रही थी कि ग्राहक कुछ सोचता है बाद में कुछ हो जाता है? हाँ, तो रेगुलेटर तो अनकंफर्टेबल रहा था, बट दैट इज ऑल द मोर रीजन कि जब वो फ्लोटिंग पे जाएगा तब उसको प्रीपेमेंट अलाउ करना चाहिए, बिकॉज अगर वो ट्रांसफर होगा तो लोअर रेट पर होगा। तो आई थिंक अगर उसका सही तरीके से उसको अगर एग्जामिन किया जाए तो मेरे ख्याल से फ्लोटिंग होने के बाद क्या फर्क पड़ता है कि पहले वो फिक्स था या नहीं। एब्सोल्युटली। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल दिल्ली से अभिनव सिंह जी का, ये मेल के जरिए, और ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं सिंह साहब, ये एक फ्लैट परचेज करना चाह रहे हैं और इसके लिए ये अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हैं। ये सिंह साहब ने मेंशन किया है, इनकी जो डिटेल्स हैं स्क्रीन पर, हम 50 लाख का ये इनफैक्ट जो लेना चाह रहे हैं फ्लैट, और ये बाकी इनकी मासिक आय है, ये इसमें जानना चाहते हैं इनको लोन कितना मिल सकता है, ये डाउन पेमेंट की डिटेल्स हैं। इनसे अभी बात तो नहीं हो पा रही है रुमटा साहब, लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न जिस तरह से जो आया है, अगर हम मानकर चलें किसी प्रकार से इनका कोई अभी फिलहाल और लोन नहीं चल रहा है, पिछला रिकॉर्ड भी सब स्मूथ रहा है, बाकी पैरामीटर सब ठीक हैं, तो इन दैट केस जो एक 40-50% राउंड अबाउट जो EMIs फॉर्म होती हैं, तो इन दैट केस ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनको आप कैसे राह दिखाएंगे? हाँ, तो जो भी आपने अजम्पशंस कहे कि इनकी उम्र भी 40 से कम है और प्रायर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और कोई लोन अभी फिलहाल आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो इनकी इनकम के मुताबिक इनको करीबन 18 लाख का ही लोन मिल सकता है। अगर ज़्यादा लोन इनको चाहिए तो इनको क्लियरली अपने स्पाउस को या अपने पेरेंट को किसी को इंक्लूड करना होगा साथ में ज़्यादा लोन पाने के लिए, और 50 लाख की अगर प्रॉपर्टी है और 18 लाख का लोन मिल रहा है तो 32 लाख रुपए इनको अपनी जेब से देने होंगे अगर सिर्फ अपनी आय के बेसिस पर ये लोन लेते हैं तो। राइट, तो आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन के बारे में, होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन सेंट्रिक, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आप शो देख रहे हैं तो सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेल के जरिए moneyguru@znetwork.com पर। शो के लिए सजेशंस भी होम, इसको और कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, इसमें और कैसे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं आपके लिए, तो ये डिटेल्स हैं, और SMS के जरिए जानकारी चाहें तो इस तरह से आप हमें 57575 पर SMS कर सकते हैं। आखिरी सेगमेंट के साथ हम जल्दी लौट कर आ रहे हैं। वेलकम बैक, ये लास्ट सेगमेंट है, कुछ और प्रश्नों को आइए शामिल करते हैं। अगला सवाल नासिक से अक्षय जी का इस समय वो प्रश्न है, आपका स्वागत है। आप मेंशन कर रहे हैं होम लोन को आप प्रीपे करना चाह रहे हैं, हम इससे सेंटर कभी बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन आपने मेंशन किया है ये आप
पीएफ मनी से इसको आप करना चाह रहे हैं, या आप ईपीएफ की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो पर ईपीएफ मनी से आप करना चाह रहे हैं, इसमें रुंगटा साहब ये तो एक तरीके से रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस रहता है जिसको आप उसी पर्पस के लिए यूज करें, पर अगर ये सोच रहे हैं तो फिर कैसे आप इनको राय देंगे? सो अक्षय जी, आप अपने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं? मैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करने की बात कर रहा हूं। तो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप होम लोन उसमें जो विड्रॉल्स अलाउड है वो बहुत ही स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए अलाउड है, और होम लोन रीपेमेंट करना ये एक उसमें कोई वैलिड पर्पस नहीं है, तो आप इसके लिए विड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। पहली बात, रूल्स के मुताबिक आपको वो विड्रॉल मिलेगा ही नहीं अनलेस कि आप रिटायर हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपका एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है वो आपके रिटायरमेंट के लिए है और उसको उसी के लिए रखना चाहिए, तो उसको विड्रॉ करके होम लोन प्रीपेमेंट करना मेरे ख्याल से कोई अनलेस कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न है, मुझे कोई बहुत उसमें समझदारी की बात नहीं लग रही। अगर आप देखें, आप 11:30 दे रहे हैं, उस पर आपको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, आपकी सालाना आय आपने लिखी है 7 लाख रुपए हैं, तो टैक्स ब्रेक्स के बाद रफली इसका कॉस्ट आपको 8.5-9% मिल रहा है जी। जो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको अपने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पर भी उतना ही करीबन मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको डिस्टर्ब करना कोई बहुत फिलहाल में कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं दिख रही है, इवन इफ इट इज अलाउड। पहली बात, जैसे मैंने कहा, शायद अलाउड ही ना हो। एब्सोल्युटली, उसमें क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जिस तरह से क्लॉजेस रहते हैं जिन के तहत ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और अदरवाइज जैसे रिटायरमेंट के लिए है तो उसी तरफ आप ध्यान केंद्रित करें, बेटर रहेगा। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे और आपका शुक्रिया करना चाहेंगे हर्ष रुंगटा साहब, धन्यवाद शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। और व्यूअर्स का भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। जिस तरह से आज हमने बातचीत की है लोन के बाजार पर, कल जब हम हाजिर होंगे तो इंश्योरेंस मार्केट को हम टच करेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कल ठीक इसी समय हम इंश्योरेंस मार्केट का जायजा लेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।